हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लगाने के लिए सिंपली हमें अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हमें सिंपली सेटिंग्स पे चले जाना है। इसके बाद अकाउंट पे जाना है। उसके बाद प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ लास्ट में फिंगरप्रिंट लॉक दिखेगा, इस पर प्रेस करना है और यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। और इसके बाद अभी 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। यानी आप एक बार फिंगरप्रिंट से आप अपने खोल लिए व्हाट्सएप को, तो आप कितने देर बाद फिर फिंगरप्रिंट, मतलब आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा व्हाट्सएप में। तो इमीडिएटली कर रहे हैं तो आप फिंगरप्रिंट खोले, फिर बंद किए, फिर अगर आप खोलते हैं तो आप फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा। आफ्टर 1 मिनट मतलब फिंगरप्रिंट से आपने खोल दिया है, उसके बाद 1 मिनट बाद ये फिंगरप्रिंट मांगेगा। उसके पहले अगर आप फिंगरप्रिंट खोलते हैं फिंगरप्रिंट, तो मतलब फिंगरप्रिंट नहीं मांगेगा। आफ्टर 30 मिनट यानी ये 30 मिनट के बाद मांगेगा। तो हमें इमीडिएटली पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारा इनेबल हो गया, फिर हमें बैक चले आना है, व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, तो फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा। देखिए, हमारा फिंगरप्रिंट इनेबल हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नई एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।